मेरे सभी प्रदेश के बेटे बेटियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, हम सभी लोग जानते हैं कि देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके नेतृत्व में तेजी से देश का विकास हुआ है। आज का जो भारत है वो नए संकल्पों को पूरा करने के लिए अग्रसर है। उसमें भारत के द्वारा जितने भी प्रस्ताव आज दुनिया के देशों के सामने रखे जाते हैं, सारे प्रस्तावों पर बहुत ठोस तरीके से गंभीरतापूर्वक कहीं ना कहीं उनकी विवेचना होती है, उनकी सुनवाई होती है और उस पर फैसला होता है। जैसा अभी गणेश जोशी जी ने यहाँ से बताया कि 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, यह प्रस्ताव भी भारत की सरकार के द्वारा दिया गया था और उसको मिलेट प्रस्ताव के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से आप सबको याद होगा कि 21 जून को पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस मनाया जाता है और यह योग दिवस भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर दुनिया के देशों ने इसको स्वीकार किया और पूरी दुनिया के अंदर 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। और आप सबको जानकर खुशी होगी कि आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि हमारा जो शिक्षा विभाग है, जो G20 की सबमिट होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता हमारे देश को मिली है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आज जो ग्लोबल फॉर लोकल फॉर ग्लोबल का जो हमारा मंत्र है वो पूरी दुनिया के सामने जाने वाला है। पूरी दुनिया भारत को जानने वाली है, जिसमें दुनिया के 20 प्रमुख देश, 9 इनवाइटी देश और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस पूरे G20 में भाग लेने वाले हैं। यानी कि पूरी दुनिया की जो GDP है उसका 85% गवर्न करने वाले देश इस G20 की सम्मिट में भाग लेने वाले हैं और उसका नेतृत्व और उसकी अध्यक्षता इस बार हमारे देश को मिली है। यह है नया भारत और हमको खुशी होगी कि हमारे स्कूलों में भी अभी से हमारे प्यारे बेटे बेटियों को, हमारे छात्र छात्राओं को G20 के बारे में जरूर उनको बताया जाना चाहिए। किसी न किसी स्तर पर उनके बीच में तमाम प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं वो प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए। वैसे डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है, यहाँ पर योजना बन रही है, बहुत जल्दी शिक्षा विभाग इसको नीचे तक ले जाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, इसमें हमारे लिए खुशी की बात यह भी है कि G20 के जितने कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हो रहे हैं उन कार्यक्रमों में से हमारे जैसे हमारा प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से उतना बड़ा प्रदेश नहीं है, लेकिन हमको भी दो दो कार्यक्रम G20 के उत्तराखंड को मिले हैं। दो मीटिंग हमारे यहाँ भी होने वाली है। हम सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है, जिसका परिणाम है आज हर क्षेत्र में, जैसा कृषि मंत्री जी ने बताया कि आप सबको जानकर खुशी होगी कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम है उस स्कीम में उत्तराखंड की सरकार ने जो एक अनुरोध भारत की सरकार से किया था कि मंडवा को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल किया जाए, हमारे यहाँ का प्रमुख फसलों में से एक फसल मोटे अनाज के रूप में इसी मिलेट वर्ष में मड़वा को भी सम्मिलित किया गया है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मड़वा को इसमें शामिल किया है। ऐसे अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे आज केदारनाथ जी का जहाँ पुनर्निर्माण हो रहा है, वहीं केदारनाथ जी का आने वाले समय में हम सब लोग वहाँ पर रोपवे के माध्यम से जा पाएंगे। रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। हेमकुंड साहब जाने के लिए जो कठिन यात्रा होती थी, हेमकुंड साहब के लिए भी रोपवे का शिलान्यास हो चुका है, वह यात्रा भी हमारी बहुत आसान होने वाली है। चाहे आज हवाई क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हमने नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले उत्तराखंड में लागू किया है। इसके साथ साथ चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, आज रेलवे की कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है, हवाई कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है, हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है
भाइयों बहनों, पर्यटन के क्षेत्र में भी हम लोगों ने तमाम नए प्रयास किए और नया साल हम नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। और हमारा संकल्प होगा कि हम 2025 तक उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। हम अग्रणी पंक्ति के रूप में बैठे, अग्रणी पंक्ति के रूप में हम जाने जाएं और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम सब लोग निरंतरता से काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है और आप सब लोग भी अपने अपने स्थानों पर। मैं देख रहा हूं कि शिक्षा विभाग में भी बहुत तेजी से बहुत सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। भाइयों बहनों, आने वाले समय में जितने हमारे छात्र छात्राएं हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, आप केवल उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि आने वाले समय में आप देश का भविष्य बनने वाले हैं। आप देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देने वाले हैं और आप सब इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो नए भारत का संकल्प है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वह संकल्प आपके ही कालखंड में पूरा होने वाला है। क्योंकि अब अमृत काल प्रारंभ हो गया है, अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद हम आज़ादी के अमृत काल में, इस अमृत काल में हम प्रवेश कर गए हैं और यह अमृत काल हमारा देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक चलेगा, 2047 तक चलेगा। आज दुनिया का कोई फील्ड हो, दुनिया का कोई भी मैदान हो, हर मैदान में, हर क्षेत्र में आज हर भारतवासी के मन में एक भाव जागृत हुआ है, एक भाव पैदा हुआ है कि अब भारत का एक एक व्यक्ति दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाकर दुनिया को नेतृत्व प्रदान कर सकता है, दुनिया को कहीं ना कहीं भारत का मान सम्मान बढ़ा सकता है। इसका उदाहरण है, आप देखिए, आज जब हम डिजिटल ट्रांस की बात करते थे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते थे, उस समय में आपको याद होगा कि जब डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात होती थी तो लोग मजाक उड़ाया करते थे कि यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं है, ये कैसा कार्यक्रम शुरू कर दिया है। लेकिन जब इच्छा शक्ति हो, संकल्प शक्ति हो और देश के लिए कुछ करने की अगर इच्छा हो और संकल्प हो, उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, दिशा हो, तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। उसी का परिणाम है कि आज दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन, नायर साहब बैठे हैं अच्छी तरह जानते हैं कि वो भारतवर्ष के अंदर हो रहा है। दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रहा है। एक समय था जब भारत के बारे में कहते थे कि भारत दुनिया के वैश्विक मंचों पर अपनी बात नहीं कर पाता है, अपने हितों की रक्षा भी नहीं कर पाता है, तब भारत को इतने गंभीरतापूर्वक सुना भी नहीं जाता था। और एक कालखंड शुरू हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि आज भारत को दुनिया के श्रेष्ठ देशों में शामिल किया जा रहा है, दुनिया गंभीरता से भारत की बात सुन रही है, हर वैश्विक मंच पर भारत अपनी बात करता है और अपने हक में फैसले भी करवाता है। ये नया भारत, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत और समृद्ध भारत, इस भारत को बनाने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, प्रदेश के मुख्य सेवक होने के नाते मेरी कोशिश है कि हमारी सरकार राज्य के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान कर सके। पिछले दिनों हमने शिक्षक दिवस के दिन यह घोषणा करी थी कि हम सभी बच्चों को, हमारे सभी बच्चों को हफ्ते में कितने, 2 दिन की जगह 4 दिन था, 1 दिन जो दूध दे रहे थे उसको हमने 2 दिन देने की घोषणा करी थी, क्योंकि वो सारा काम हमारा हो चुका है और जब इस छुट्टियों के बाद स्कूल खुलेंगे तो हम 2 दिन बच्चों को जो है दूध देने का काम हमारी सरकार करेगी। इसके साथ साथ आज गणेश जोशी जी ने भी यहाँ पर हमारी जो इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका आदरणीय सविता कपूर जी हैं, इस विद्यालय के बारे में, क्योंकि बड़ा योगदान
हमारे कपूर साहब का रहा है, इसकी स्थापना से लेकर इसको आज इतना बड़ा परिसर, इतना बड़ा विस्तार देने का काम किया है। तो आपने कहा है कि यहाँ पर इसके नाम की जो है, क्योंकि उनके नाम से होना चाहिए, तो मैं घोषणा करता हूँ कि जो हमारा विद्यालय शिक्षा विभाग है उसको इस रूप को, इस घोषणा को मूर्त रूप देने का काम करेगा कि इनके नाम से आगे आने वाले समय में, क्योंकि हमारे प्यारे बच्चे, छात्र छात्राएं, नौनिहाल, उनको हरबंश कपूर जी के, स्वर्गीय हरबंश कपूर जी के जीवन में उन्होंने कितने संघर्ष किए और लगातार जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में लगातार चुने जाने का एक रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। कहीं ना कहीं जहाँ हमारे छात्र छात्राओं के लिए, हमारे नौनिहालों के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, वहीं सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी प्रेरणा स्रोत के रूप में रहें, उनको जानते रहें। इसलिए मैं ये घोषणा करता हूँ कि ये विद्यालय उनके नाम से होगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि हम सब लोग एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हम जितने भी लोग, जितने भी शिलान्यास करेंगे उन सभी को लोकार्पित भी करेंगे। यानी कि जो योजनाएं प्रारंभ होंगी उन योजनाओं को हम पूरा करेंगे। यानी कि कोई योजना, उसका उद्घाटन तो होता है, उसका शिलान्यास तो होता है, लेकिन उसका लोकार्पण नहीं होता है। पहले के समय में यही होता था कि योजनाएं शुरू होती थी लेकिन बीच में बंद हो जाती थी, उसके शिलान्यास होते थे, लोकार्पण नहीं होते थे। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि जो भी योजनाएं हम शुरू करेंगे उन योजनाओं को पूरा करेंगे। और आज ये जो आवासीय छात्रावास हैं, ये लोकार्पण हमारी सरकार के इसी संकल्प का परिचायक हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस राज्य में कुल ऐसे 11 आवासीय छात्रावास स्वीकृत हैं जिनके माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सहायता मिल रही है, लगातार मदद मिल रही है। ऐसे बच्चे जिनको वास्तव में शिक्षा की अति आवश्यकता है, उनको संस्कारों की आवश्यकता है, उन संस्कारों को देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। और अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी मुझे कह रहे थे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भारत सरकार से भी हमको लगातार इस प्रकार का वो मिला है कि जितनी जगह पर हमको ऐसे छात्रावासों की आवश्यकता है, हम इन छात्रावासों को बनाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ यह भी बड़ी खुशी की बात है कि इन छात्रावासों के माध्यम से बालक तथा बालिकाओं दोनों को निःशुल्क भोजन, आवास, उनके गणवेश यानी कि उनकी वर्दी, शिक्षण सामग्री आदि सभी उपलब्ध कराई जा रही है। और सच बताऊं तो मैं जब भी छात्र छात्राओं के बीच में आता हूं, किसी विद्यालय के कार्यक्रम में आता हूं, तो मुझे भी, और ऐसे कार्यक्रम जिसमें छात्रावास बनाए जा रहे हों या स्कूलों का लोकार्पण हो रहा हो, तो जहां बचपन से लेकर अभी तक की याद आ जाती। गणेश जोशी जी कह रहे थे हमारे समय में कृषि पढ़ाई जाती थी, हमारे समय में तो कृषि का काम भी करवाया जाता था, कृषि की एक क्यारी भी लगवाई जाती थी हमसे। तो हम लोग जो है अच्छे अच्छे उसमें से मूली, गाजर और तमाम प्रकार के जो सब्जियां होती थी उनको उगाने का काम भी करते थे। और सर्दियों के दिनों में वही जब तैयार हो जाते थे तो हम लोग हरा नमक पीस कर लेके जाते थे और वही मूली और वो सब निकाल कर उसको जो है जहाँ अपने टीचरों को, हमारे जो शिक्षक होते थे उनको भी खिलाते थे और खुद हम लोग सब लोग बांट कर भी खाते थे। और इसके अलावा क्योंकि मैं अपने उच्च शिक्षा के दिनों में मैं छात्रावास में भी रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि छात्रावास के जितने भी कुशल संचालन होते हैं, अच्छा संचालन, अच्छा छात्रावास चलना, इसमें हमारे जो छात्रावास के संचालक होते हैं जिनको हम वार्डन कहते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा उनके ऊपर दायित्व तो होता है। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर उन सभी संचालकों को जो विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, छात्रावासों का संचालन कर रहे हैं, उन सबका भी मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और इस अवसर पर संपर्क फाउंडेशन और स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड संस्था को भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे यहाँ 11,000 विद्यालयों का एक लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य लिया है कि सबको सुधारने का। पिछले दिनों जब उनसे भेंट हुई थी, उनको नज़दीक से
मैं समझने का जानने का अवसर मिला था, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम अपनी एक सशक्त नींव बनाने का काम करते हैं, हम अपने नौनिहालों को तैयार करने का काम करते हैं, हम भारत के भविष्य को तैयार करने का काम करते हैं, उसमें कोई भी योगदान देता है, क्योंकि ये तो आप तमाम जगह पर नायर जी ने काम किया है, उनके सहयोगियों ने काम किया है, लेकिन उन्होंने इस शिक्षा को क्षेत्र को चुना है, इसमें एक ट्रांसफॉर्म के लिए चुना है, एक उसको गति देने के लिए, उसको उन्नति की ओर ले जाने के लिए, उसको प्रगति की ओर ले जाने के लिए जो काम, जो योगदान आप दे रहे हैं, मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके द्वारा हमारी सरकार को राज्य में शिक्षा के प्रचार प्रसार कार्य में अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया जा रहा है। अंत में मैं आप सभी विद्यार्थियों को, सभी मेरे प्यारे बेटे बेटियों को, हमारे सभी शिक्षक गणों को, सबको बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए और आयोजकों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।